हेलो फ्रेंड्स, अपा रसोई में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब, कमेंट करके जरूर बताएं। आज मैं बनाने वाली हूँ सोया चाप। सोया चाप बनाने के लिए मैंने ये 250 ग्राम सोया चाप ली है, 250 ग्राम, और दो प्याज लिए हैं, दो टमाटर लिए हैं, और हरी मिर्च लिया है, लहसुन लिया है, हरा धनिया, अदरक, जीरा, बड़ी इलायची और हींग यह है मैंने, और थोड़ी सी दही। सबसे पहले हम ऑयल लेंगे। और ऑयल को हमें अच्छे से गर्म करना है। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हो, जो आप यूज करते हो वो, चाहे रिफाइंड या फिर सरसों का तेल। मैंने सरसों का तेल लिया है और अब हम इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है और गैस का फ्लेम जो है वो हमें मीडियम ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना। अब हम इसमें डालेंगे सोया चाप। सोया चाप हमने डाल दिया है, अब हमें इसे ब्राउन होने तक भूनना है। ब्राउन होने तक इसको अच्छे से हम भूनते रहेंगे और गैस का जो फ्लेम है वो हमें मीडियम ही रखना है। फ्रेंड्स, सोया चाप को हमें ब्राउन होने तक फ्राई करना है और बीच बीच में इसको हमें हिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है अच्छे से। सोया चाप हमारी ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। सोया चाप हमने निकाल ली है, अब हम इसी ऑयल का यूज करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बड़ी इलायची, जीरा और हींग। हम इसमें तीनों मिक्स करके एक साथ डाल देंगे और गैस का जो फ्लेम है वो हमें मीडियम ही रखना है। और अब हम इसमें डालेंगे प्याज, क्योंकि जीरा ये सब पक चुका है, ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हमें ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और हरी मिर्च, दोनों एक साथ डाल देंगे। टमाटर और हरी मिर्च हमने डाल दी है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सूखा मसाला। सूखे मसाले में हमने थोड़ी सी हल्दी ली है और एक चम्मच लाल मिर्च, और एक चम्मच हरा धनिया, और नमक स्वाद अनुसार, जितना आप डालते हो उतना, मैंने तो आधा चम्मच डाला है। और हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देंगे। देखते हैं मसाला पका कि नहीं। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, इसको भी हमें अच्छे से पकाना है 1 मिनट के लिए। देखते हैं ग्रेवी बनी कि नहीं। फ्रेंड्स, हमारी ग्रेवी बन चुकी है बहुत अच्छे से, सारा मसाला मिक्स हो गया है और इसमें खुशबू भी आ रही है मसाले की अच्छी सी। अब हम इसमें डालेंगे दही।
दही हमने ये आधी कटोरी ली है। अब हम दही को अच्छे से मिक्स करेंगे। थी इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे। फ्रेंड्स अब देखो हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है। अब हम इसमें डालेंगे सोया चाप। सोया चाप हमने डाल दी है। सोया चाप हमने डाल दी है और हमने इसको अच्छे से मिक्स भी कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा सा डालना है, हल्का सा, ज्यादा पानी नहीं डालना। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। पानी ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब और थोड़ी देर के लिए हम इसे छोड़ देते हैं पकने के लिए। फ्रेंड्स सोया चाप अभी हमारी अच्छे से पकी नहीं है, तो अब हम इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे। और पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एक साथ नहीं डालना। और हम इसको अच्छे से और थोड़ी देर के लिए हम इसको रख देते हैं। सोया चाप हमारे अच्छे से पक चुके हैं और हमारी सब्जी जो है वो बन चुकी है सोया चाप की। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। गैस का जो फ्लेम है वो हमें कम ही रखना है। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। और इसको हम अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके और जो सोया की सब्जी है वो हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सर्व करके खा सकते हैं और गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं। देखो फ्रेंड्स कितनी अच्छी बनी है सब्जी हमारी सोया चाप की। अच्छी लग रही है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब जरूर करें और एक बार आप इस तरीके से बनाकर खाएं और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी सब्जी कैसी बनी है। थैंक्स।